अस्सलाम वालेकुम मंचनपुर बालिका प्राथमिक उच्च विद्यालय छात्रीरा आमी तुम्हारे सुरैया मैडम सहकारी शिक्षिका विषय हलो साधारण विज्ञान षष्ठ श्रेणी अध्याय हलो द्वितीय और पार्ट हलो दुई कल की पढ़ाई जीवजगते जीवजगत की जीव एवं जड़ जड़ की आज की सेटा नहीं जीवजगत किस देख से देख कम समय सहजे जीवजगत सम्पर्क धारणा पवर श्रेणीकरण सहाज्य बर्तमान अतीत सब जीव के एक पद्धति सजाना हो नीचे देखो हमें सजाई तरह जीव जीव विज्ञानी विभिन्न समय जीवे श्रेणीबद्धकरण चेष्टा कर सर्वाधुनिक पद्धति आविष्कार कर कत साले 1978 साल ये करसे विज्ञानी मार्क इलिक्स एवं हुईटेका हुईटेका आधुनिक श्रेणीकरण पद्धति जीवजगत के मोट 5 राज्य भाग करस कयटी राज्य 5 राज्य देखो जीवजगत 5 राज्य देखो प्रथम राज्य मनेरा प्रोटिस्टा फांजाई प्रांटी एनिमेलिया मनेरा मनेरा कि प्रथम राज्य देखो मनेरा राज्य अधीन विन्यस्त जीवे वैशिष्ट्यगुल नम्बर जीवटी एक कोषी एवं एर कोष के सुगठित न्यूक्लियस थे कि थे ना सुगठित न्यूक्लियस थे ना जीवटा एक कोषी एवं एर कोषे सुगठित न्यूक्लियस थे मने एरा खुबी क्षुद्र मान क्षुद्र की छोटो खुबी छोटो अणुवीक्षण जंत्र सारा ए चोखे देखा जा रहा कम उदाहरण हलो राइबोसोम उदाहरण हलो राइबोसोम अणुवीक्षण जंत्र सारा चोखे देखा जा रहा 3 नम्बर राज्य देखो प्रतिष्ठा ए अधीने ओ सकल जीव के विन्यस्त करा एर अधीने ओ सकल जीव के कि करे कौन राज्य करे प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा ए अधीने ओ सकल जीव के विन्यस्त करा हुआ जादेर कोष सुगठित न्यूक्लियस युक्त एरा एककोषी एरा कि एककोषी एकक बा दलबद्धभावे थाकते पारे एककोषी किन्तु एकक दलबद्धभावे दल निये भावे थाकते पारे उदाहरण कि एमिबा एमिबा कि दलबद्ध हये एककोषी किन्तु एटा दलबद्धभावे थाके इत्यादि 3 नम्बर राज्य देखो फांजाई फांजाई बा छत्राक छत्राक एदेर देहे सुगठित न्यूक्लियस थाके एरा साधारणत एककोषी एवं बहुकोषीय हय एककोषीय हय बहुकोषीय हय एदेर देखो देहे क्लोरोफिल नेय तारा कि ताई एरा परभोजी उदाहरण हलो ईस्ट एवं मशरूम ईस्ट और मशरूम एनिमिया तो देखो प्लान्टिन एरा साधारण निजे खाद्य निजे हलो प्लान्टिन कि उद्भिद जगत एट कि जगत उद्भिद जगत एरा साधारण निजे निजे खाद्य प्रस्तुत करते पारे ताई एरा सबुजी एटा कि बुझी सबुजी एरा एक बा बहुकोषी होते पारे कोषप्राची सेलुलोज द्वारा निर्मित एदेर कोष सुगठित न्यूक्लियस युक्त उद्भिदे सबुज कणिका बा क्लोरोफिल थाके ताई एगुलो खाद्य प्रस्तुत करते पारे देखो कोनटा उदाहरण हलो फार्न उदाहरण हलो फार्न आमगा आम जाम काठाल इत्यादि ए जिनिसगुलो कि हय एगुलोर मध्ये आम जाम काठाल एगुलोर मध्ये फल हय एनिमेलिया एनिमेलिया हलो प्राणी जगत एनिमेलिया राज्य मध्य देखो प्राणी जगत ए सब जीवे कोषे सेलुलोज निर्मित कोष प्राचीर थाके ना साधारणत ए कोषगुलोते प्लास्टिक ओ थाके ना ताई खाद्यर जन्य एरा उद्भिदेर उपर प्रत्यक्ष बा परोक्ष भागे निर्भरशील देखो के मास पाखी गरु मानुष इत्यादि एगुलोई प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भागे निर्भरशील ये उदाहरणगुलोई मास पाखी गरु मानुष इत्यादि एगुलो कार उपरे निर्भरशील निजेदेर उपरे सेलुलोज द्वारा गठित कोष
জয়তো আমরা কি করি খাওয়া দাওয়া করি এই আজকের পড়া ছিল তোমাদের এই জীবজগতের পাঁচটি রাজ্যের কথা পাঁচটি রাজ্যের উদাহরণ দিলাম তোমরা সুন্দর করে এই চ্যাপ্টারটা ভালো করে পড়বে এবং শ্রেণী ঘর কেটে কেটে পরীক্ষার সময় তোমরা এরকম করে একটা সফটকেট কাটতে হবে সফটকেটে প্রশ্ন যদি চায় এভাবে সে মনেরা প্লাস প্রতিষ্ঠা ফাঞ্জাই প্লান্টি অ্যানিমেলিয়া এইগুলো একটা একটি করে রাজ্যের প্রথম রাজ্য এক দুই তিন চার পাঁচ এই পাঁচটি এইভাবে লিখে উদাহরণ দিলে তোমরা সুন্দর মতো নাম্বার পাবে তাহলে আজকের মতো তোমাদের জন্য ক্লাস শেষ করলাম খুদা হাফেজ।